धार जिले में तहसीलदार द्वारा रेत के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि धर्मपुरी के ग्राम गुलाटी में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रेत भंडारित की गई थी, जिसको जब्त किया गया है। धर्मपुरी तहसीलदार द्वारा की गई इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। विगत 2-3-4 दिनों से अपने समाचार माध्यमों से यह खबर आ रही थी कि अवैध उत्खनन हो रहा है गुलाटी और अपने भेट संस्थान की जो अपना 100 हेक्टर का जो रकबा है उसमें। तो मेरे द्वारा 2-3 दिन से कार्रवाई का मुआयना किया जा रहा था और वाहन पकड़ने का प्रयास भी किया गया, किंतु वाहन पकड़ में नहीं आए। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि ग्राम गुलाटी में जो लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन कर जो भंडारण किया गया है, उस भंडारण को जब्त करने का निर्णय लिया और करीब 10 डंपर रेत, बालू रेत का भंडारण था, उसको जब्त किया गया है। और कुछ ऐसा नावें भी मुझे चिन्हित करना पड़ी है जो कि आए दिन मतलब माँ नर्मदा के उसमें से रेत का उत्खनन करती है, तो उनको भी जब्त करने का मैं निर्णय ले चुका हूँ और जो भी मिलेगी अभी जब्त करूँगा। तो इसके अलावा लसन गाँव में उत्खनन हो रहा है? हाँ, वहाँ पर भी मैं दिखवा रहा हूँ और लसन गाँव में भी यदि इस प्रकार का कोई भंडारण मिलेगा तो उसको भी जब्त किया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।